क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना का कार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य संकाय भवन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। इसके लिए 14 टेबल बनाए गए हैं और 4 शिफ्ट में 560 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल वैध मतों का 50% और एक वोट पाने वाले विजय घोषित होगा। प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर व निर्वाचन से जुड़े अन्य आला अफसरों के साथ ही सभी प्रत्याशियों व उनके एजेंट की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का सील तोड़कर मत पेटियों को खोलकर मत पत्रों को मिलाने का कार्य जारी रहेगा। यही लोग रख लेंगे भैया, क्या हम लोग बाहर वाले? हाँ हम लोग बाहर रहे। हाँ भैया हम लोग रहते बाहर। एक लोग यही रहिए, एक आदमी आ जाए भाई, इनकी उदारता मोबाइल छोड़। देवेंद्र भैया 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 थोड़ा इधर घूम जाइए, भैया थोड़ा सा इधर घूम जाइए। हाँ तू थोड़ा सुस्त है गुरु जी, जगाना पड़ता है। अब गुरु जी आ गए तो बोलिए बोलिए बोलिए, एक मिनट टाइम एडिशनल। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एआरओ अजय कांत सैनी व भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। अभी इस समय मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और जो है क्योंकि बंडलिंग वाला काम हो रहा है, लगभग 8-9 राउंड तक जो है बंडलिंग हो चुकी है और ये काम जो है बंडलिंग वाली का काम लगभग हम 4-5 बजे तक उम्मीद करते हैं पूरा हो जाएगा। उसके बाद अधिमान एक के अनुसार फिर काउंटिंग की जाएगी और तभी वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। कब तक उम्मीद है सर रिजल्ट आने की? अब रिजल्ट जो है हमारी पहले अधिमान के आधार पर ही तय कर पाएंगे हम। आज की तारीख में हम कोई नहीं कह सकते कितना में समय लगेगा, फिर भी हमने मान के चले लगभग 36 घंटे की हमने अपेक्षा की है। गणना शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से प्रारंभ कर दी गई है और मेरे ख्याल से वास्तविक गणना रात में शुरू होगी। क्या लग रहा है? अभी एक प्रक्रिया है कि बक्से खोले जाते हैं, मिलाए जाते हैं, फिर 50-50 की गड्डी बनती है, उसके बाद वास्तविक गणना शुरू होती है, वो करीब 7 बजे के आसपास शुरू होगी। क्या लगता है जीत का सेहरा फिर एक बार आता? अरे जीता हुआ हूँ यार, केवल प्रमाण पत्र लेना भर है, जीता हुआ हूँ, कोई लड़ाई नहीं थी, चुनाव ही था।